हरबंसपुरा में नामालूम अफराद ने फायरिंग की जिससे स्टेज अदाकारा किस्मत बेग जांबहक हो गई। इस वक्त हसन हफीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। हसन, अब काफी जख्मी थी, उसके बाद जानबर ना हो सकी, अस्पताल जराए क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, अस्पताल जराए का यही कहना है कि अभी तक जो किस्मत बेग है वो उनको 12 गोलियां लगी थी टांगों में, और जो खतरनाक गोली साबित हुई वो उनके पेट में जो गोली लगी थी वो ज्यादा खतरनाक साबित हुई, जिसको जख्मों की ताबनामा लाते हुए किस्मत बेग जहां बाहर हो चुकी हैं। और जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है उसकी हालत बेहतर है, जिसको टांगों में उसके भी दो गोलियां लगी थी। किस्मत बेग गुज़िश्ता रात थिएटर से अपने घर जा रही थी कि दो नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी रोक कर उन पर फायरिंग की, जिसके बाद इनको सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर ऑपरेशन करने के बाद सर्जिकल आईसीयू में रखा गया था। आज सारा दिन हालत तशवीशनाक रही और अभी कुछ देर कबल किस्मत बेग जो है वो जांबाक हो चुकी हैं। जी, तो इस केस का मुकदमा क्या दर्ज कर लिया गया है सर? बिल्कुल, इस केस का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है थाना हरबंसपुरा में, और इनके बहनोई शाहिद की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया है, और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और मुल्जिमान जो नामालूम अफराद है नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा इस केस का दर्ज किया गया है। बहुत शुक्रिया सर, अपडेट कर रहे थे आप।